अयोध्या लोकसभा के मुस्लिम मतदाता हैं या जो यहाँ के मुस्लिम वासिंदे हैं वो क्या सोचते हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। चाचा क्या नाम है आपका? रज्जबली। रज्जबली। रज्जबली जी बताइए कि 2024 यानी जो चल रहा है और जल्द ही लोकसभा चुनाव होने वाला है, आपका वोट किस मुद्दे पर जब तक जाएगा? तो हमारे यहाँ लल्लू सिंह रहेंगे मैं वोट उन्हीं को दूंगा, तो लल्लू सिंह तो बीजेपी के हैं चाहे जिसके हो। और लोग कहते हैं कि जो मुस्लिम हैं, और अखिलेश यादव जी भी कहते हैं हम पीडीए बनाए हुए हैं, इसमें मुस्लिम भी हैं, एमओआई का जो है फैक्टर काम करता है, ऐसे में वो सब झूठी बात है, सब सब झूठी बात है। मोदी जी की कौन सी बात आपको अच्छी इतनी लगी कि आप? हमारे यानी कि लल्लू सिंह जो हैं हमारे यहाँ विधायक रहते हैं, सांसद रहते हैं, हम लोग उनके अगर कोई बात करते हैं हम सुनी जाती है बात। अच्छा, तो कहने का मतलब आप मुद्दों पर और जो जनप्रतिनिधि हैं उनके ऊपर दे रहे हैं कि मोदी जी के नाम नहीं पर नहीं दे रहे मैं हैं? केवल लल्लू सिंह जानता हूँ, किसी को जानता नहीं हूँ। अच्छा, लल्लू सिंह के नाम पर। जी, अच्छा ये बताइए कि अयोध्या गए हैं कभी? नहीं गए। बहुत बराबर जाता हूँ। बराबर जाते हैं तो अयोध्या की तस्वीर तो बदल गई है, इस अयोध्या बारे में क्या कहेंगे? समझ लीजिए इंटरसिटी हो गया हो। हाँ तो गया तो जी, इसके लिए किसको श्रेय देंगे? नहीं जो जो किया है भाई उसका बहुत अच्छे अच्छा काम किया है, जो किया है, जो जो सरकार किया है, चाहे जिसकी सरकार में हो गया हो, हमको नहीं मालूम है किसी सरकार बनाई है किसकी अरे बिगाड़ी है। सरकार हाँ योगी जी की है उसी बता तो रहा हूँ, ममता क्योंकि बनर्जी नहीं हाँ हाँ करवाएंगी, वही यहाँ पे बता रहा योगी हूँ, ही जो करवाएंगे। किया है सही काम किया है, स्वर्ग हो गया समझ लीजिए, जिधर स्वर्ग हो गया है। हाँ तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सारे लोग बैठे हैं इस नाते आप डर के मारे कह नहीं रहे नहीं नहीं हो? कोई डर नहीं है यहाँ, हम लोग कोई कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं यहाँ पे हम लोगों का, हम लोग कोई यहाँ पे कोई डर नहीं है कोई, हम लोग खूब यानी कि हम लोग बिंदास रहते हैं यहाँ गांव में, पूरी समझना पूरी हिंदू आबादी है, हम 10-20 हजार मुस्लिम हैं, हम लोग कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे जी। अच्छा, जैसे ओबैसी हो गए या कुछ और सियासतदार हो गए जो कहते हैं कि हिंदू और मुस्लिम की बात करते हैं कि मुस्लिम डरा हुआ है, नहीं, लेकिन मोदी जी योगी जी कहते हैं कि मैं मुस्लिमों के लिए कर रहा हूं, तमाम योजनाएं हैं उनकी, बहुत जैसे योजना है ट्रिपल तलाक पे भी उन्होंने काम किया जिससे महिलाओं को बहुत ज्यादा फायदा। कहने का मतलब जो मुस्लिम समाज है उसके उत्थान की बात की गई, कार्य भी किया गया, ठीक है। तो आप बताइए कि योगी मोदी जी को आप एक मुस्लिम होने के नाते किस नजरिए से देखते हैं? अच्छी नजर देखते हैं, अच्छी नजर देखते हैं, अच्छे रहेंगे भाई, काम सही है उनका, ऐसी बात नहीं है, कोई ए, ए, जात पात से कोई मतलब नहीं उनका, जो जो वैसी कहते कहते हैं तो अपना उल्लू सीधा करते हैं, वो क्या करते हैं। मोहम्मद हैं। चाचा आपका क्या नाम है? इधर देखिए थोड़ा। अच्छा, मोहम्मद इदरीस नाम है। ये बताइए कि महीना डेढ़ महीने में जो है वो लोकसभा का चुनाव होने वाला है, मतलब जल्द होने वाला है, इस लोकसभा चुनाव में किसे वोट देंगे आप? मोदी। अच्छा, हाँ सर, मोदी एक देंगे, जोगी तो बहुत खराब काम करते हैं, ये ना समय रात दिन हम बछवा हाकर थाकर साल हाकर थाकर सारा खेत चर जाते हैं, ये ना रूनन बानन तब भी नहीं माना थे, ये ना तो जितना हमको मिल रहा है उतना कुल खा लेते मोदी बछवा, ये क्या तकलीफ बा। जी जो हैं आप कह रहे हैं कि मैं मोदी जी को वोट दूंगा, मोदी जी को वोट क्यों देंगे जरा बताएं ताकि सारे लोग जाने। है सुबह नहीं तो अठू से हमको मिल रहा है, क्या क्या मिल रहा है? पेंशन मिलता है, खतौनी मिलता है, सब कुछ मिल रहा है, ये दो चीज मिलता है, अखिलेश के राज में घर मिला रहा, अखिलेश राज जब रहा तो घर मिला हमको, मकान मिल गया है, और इसमें खतौनी है और पेंशन मिल रहा है। तो वो तो अखिलेश को देंगे कि मोदी जी को नहीं देंगे? मुझे तो मोदी को मोदी जी की कौन सी बात आपको बहुत अच्छी लगती है? सब कुछ अच्छा लगता है, सब कुछ अच्छा लगता है, सब चीज असर मिलता है, कोई परेशानी है इतना बा, है ना, अगर बछवा दोनों इंतजाम मोदी का उसके लिए गौशाला बन रही है, बनी भी है। कहिया बने कहिया न बने, का बनत बा एक ठो नाव गौशाला कहूँ बा, जब चला अभी आपको दिखा दे तभी फोटो आपको खींचना होगा, हाँ चलिए हम दिखाते हैं बच्चों को, हाँ रंग लगा हुआ है, फोटो आप खींच लीजिए दिखा दीजिए वहां पर, जो शासन चल रहा है, जो सरकार है जो मौजूदा, उस हिसाब से अगर बढ़िया है देखें सरकार में गड़बड़ी नहीं है। हाँ बस यही दो चीज से जनता बहुत परेशान है, सारा खेती खा लिए थे जो, हाँ यही
किसान बहुत मजबूर है, मिल रहा है इधर में दे रहे हैं, बोल उधर में चला जा रहा है। कितनी उम्र है? लगभग 80 की।